ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसमें। एक यूनिफॉर्म एक कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टिंग रॉड है, इसको आप यहां पुल करो इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में खींचो, ठीक हो गया। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज कहां मूव कर रहा है? राइट मूव कर रहा है, क्योंकि रॉड राइट मूव कर रही है, अंदर रेस्ट पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन भी राइट मूव कर रहा है। अब जब वो राइट मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, बी क्यू साइन 90। अब फोर्स की डायरेक्शन कहां है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? राइट। पर ये फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो इमेजिन कर लो कि पॉजिटिव यहां होता होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां होगी? नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी क्यू वी, कहां? नीचे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आने जब 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 रॉड राइट मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन नीचे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और नीचे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो नीचे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? नेगेटिव। और यहां पर क्या डेवलप हो रही है? डेफिशिएंसी, पॉजिटिव। तो क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने बैटरी से ना पैदा किया, ये तो अपना पैदा हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैंने रॉड को मूव करवाना बंद कर दिया तो वी क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन फटाफट अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और न्यूट्रल हो जाएगी रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो ये सारी गेम तब तक है जब तक आप रॉड को क्या कराते जा रहे हैं? वी वेलोसिटी से मूव। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आप वी से मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, एल लेंथ है। अब अगली कहानी ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहां करेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर? ऊपर। अब एक इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लग रही हैं, पहली फोर्स कौन सी लग रही है? मैग्नेटिक, और दूसरी क्या लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। शुरू शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन नीचे आए नहीं थे। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो शुरू में ये फोर्स कमजोर थी और ये फोर्स स्ट्रांग थी, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो करंट कहां पैदा होगा? ऊपर। तो ये करंट का नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहां है? नेगेटिव से। याद करवाया ना, इंड्यूस्ड करंट कहां होता है? नेगेटिव से। ये प्रूफ है कि इंड्यूस करंट नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब होगा क्या, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, एक टाइम आएगा स्टेडी स्टेट जब नीचे और ऊपर की फोर्स बराबर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, तो करंट रॉड में उस स्टेट में क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसल। ना इलेक्ट्रॉन नीचे ना ऊपर, जितने जिन्होंने जाना था वो चले गए और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, ठीक हो गया। तो ऐसे केस में इंड्यूस करंट जीरो, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं, क्योंकि ईएमएफ अभी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी डेवलप्ड है। इसीलिए फेराडे ने कहा था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ डेवलप होगी, उसने ये नहीं कहा था करंट डेवलप होगा। करंट के साथ उसने कैलकुलेशन नहीं की। फेराडे के सेकेंड लॉ ने आपको ईएमएफ का फॉर्मूला दिया, करंट का नहीं दिया, क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है कि करंट तो हो गया जीरो पर ईएमएफ जीरो नहीं हुई। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए कैलकुलेशन ईएमएफ के साथ चलती है। तो ये स्टोरी यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, बराबर हो गया, बराबर से ई और ई कैंसिल हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ा होता है नेगेटिव से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू। और इसी ये पोटेंशियल डिफरेंस को पता है क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? ईएमएफ, और ये अपने आप पैदा हो रही है, इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका सिंबल क्या है? ई ऑफ पी क्यू। ये क्लियर है यहाँ तक? लास्ट स्टेप है, हमने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता था? माइनर डी वी बाई डी आर, याद है फॉर्मूला? ई इज माइनर डी वी बाई डी आर। तो मान लो अगर मैं पी से क्यू पे जाता हूँ तो डी वी क्या होगा? वी क्यू माइनस वी पी, फाइनल पोटेंशियल माइनस
इनिशियल पोटेंशियल. तो एज आई मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू माइनस माइनस वी क्यू माइनस वी पी बाय डी आर की जगह लेंथ. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी पी माइनस वी क्यू आ गया. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पुट करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, बी एल वी. आपने इस प्रूफ को करना है कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं. फॉर्मूला याद करो, पहला रूल, जब भी एक एल लेंथ की रॉड मूव करेगी वी वेलोसिटी के साथ इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा रॉड में, जिसकी वैल्यू बोलो क्या होगी, बी एल वी. बी लेंथ और वेलोसिटी, सिंपल. ये प्रूफ नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए. तो रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी एल वी. दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, इंड्यूस करंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब अगर मैं ये पूछूं, जब रॉड राइट मूव कर गया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, आप तो फिर शुरू हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ था वहाँ था, यहाँ कुछ नहीं करना. यहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्लेमिंग. फ्लेमिंग कहता है मेरे को याद करो, मैं एक सेकेंड में बताता हूँ, कुछ मत करो ये टॉपिक. लेकिन इस बार फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, पिछले यूनिट में फ्लेमिंग का. तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई टॉपिक आएगा और बी की डायरेक्शन निकालनी होगी या फोर्स की डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जब इंड्यूस करंट पैदा हुआ हुआ करंट निकालना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. वो कहता है ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है मत इलेक्ट्रॉन को देखो, बस ये बताओ बी कहाँ पर है. तो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर बी, ये बताओ कंडक्टर मूव कहाँ कर रहा है, राइट. थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट बी, थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ कंडक्टर, एंड दिस सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस करंट कहाँ है, ऊपर. बी मोशन ऑफ कंडक्टर, इंड्यूस करंट कहाँ है, ऊपर. डन. वो कहते हैं टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी एल वी सीधा फॉर्मूला हो गया, और इंड्यूस करंट जो है वो फ्लेमिंग का रूल बताएगा, नीचे से ऊपर. डन. तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है.